हाँ उरी बहुत अच्छी मूवी लगी बेसिकली। ये मूवी एक है जो आई थिंक बहुत करेक्ट समय पे आई है, रिपब्लिक डे आने वाला है और उस समय आई थिंक 15 दिन बाद रिपब्लिक डे है, उसके एडवांस मूवी लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी है और मूवी लोगों को देखनी चाहिए। मूवी ये लो बजट मूवीज़ हैं पर एक्टर्स उतने कोई खास हैं नहीं, लोग समझते हैं ये सब लाइक नॉर्मल एक्टर्स हैं, स्मॉल मोशन एक्टर्स हैं, पर बहुत अच्छी मूवी है, देखने लोगों को देखनी चाहिए। मूवी परेश रावल के बारे में नो डाउट इज अ ग्रेट एक्टर एंड द वे ही इज कैरिंग आउट हिमसेल्फ, आई थिंक बहुत अच्छे कैरी आउट किया है। अजीत डोवाल का जो उन्होंने रोल प्ले किया है, एक मतलब एक सीरियस रोल प्ले किया है, हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है इस मूवी में। ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है। बहुत प्राउड फील किया था, आई थिंक एक कहते हैं ना एक नस खड़ी हो जाना एक होती है, और बहुत अच्छा मतलब एक माहौल बन गया था थिएटर में, लोग चिल्ला रहे हूटिंग कर रहे थे लोग जब कुछ ना कुछ अटैक हो रहा था। ओवरऑल मतलब एक मजा आया मूवी देख के। हाय सर, हाय सर, 5 स्टार। बहुत बढ़िया लगी। सबसे अच्छा देखिए देशभक्ति पसंद आई, देशभक्ति की पिक्चर बॉर्डर बनी थी, उसके बाद बहुत पहले मनोज कुमार बनाते थे, अभी देशभक्ति की पिक्चर बनती नहीं है, बनती है तो वो लेवल की नहीं बनती है जिसमें आदमी को खून में भी गर्मी आए। आज मल्टीप्लेक्स में अगर लोग बीच में उठ के ताली मारते हैं और हल्ला करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। विकी कौशल का एक्टिंग इतना अच्छा है कि आप पूछिए नहीं, वो रियल में मिलिट्री मैन लगता है और हमारी मिलिट्री हमारे लिए क्या करती है ये हर भारतवासी को देखना चाहिए कि हमारी मिलिट्री हमारे लिए क्या करती है, तो हमें गर्व भी होगा और उनके लिए इज्जत भी बढ़ेगी। कितना प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग प्राउड, वेरी वेरी मच। ये पिक्चर देख के बहुत ही अच्छा लगा। 5 में पूरे 5 है लेकिन वो कम है, इसको जितना ज़्यादा दीजिए उतना अच्छा। ओके ओके, कैसी लगी आपको? वेरी एक्साइटिंग, वेरी गुड मूवी, रियलिस्टिक, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ अलग डाला नहीं है, कुछ विजुअलाइजेशन डाला नहीं है, स्पेशल इफेक्ट नहीं है, अच्छा लगा। जिस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या yeah. में कितना प्राउड फील किया आपने? बहुत प्राउड फील किया। जो जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है हम लोग ज़्यादातर देख नहीं पाते हैं, जो लाइव देख नहीं पाते हैं, तो उनको पर्दे में दिखाया गया है, तो पर्दे में इतना खतरनाक तरीके से दिखाया गया है, तो असली में कितना खतरनाक होगा, मतलब जिंदगी को दांव पे लगा के कैसे इंडियन आर्मी ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया, लड़ा हमारे इंडियन जो बदले लेने के लिए, वही दिखाया गया। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है। परफॉर्मेंस कैसी लगी विकी कौशल, यामी गौतम, परेश रावल? परेश रावल तो इज अ ग्रेट एक्टर एज वेल, मैंने विकी कौशल नहीं हुए, बहुत अच्छा एक्टिंग किया, और यामी गौतम को हमेशा रोमांस में देखने के लिए मिला, इसमें वो डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा। 5 out of 5 एंड प्लीज़ एवरी इंडियन प्लीज़ वॉच दिस मूवी, थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी है, और विकी कौशल का काम भी बहुत बेटर है, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट की गई है मूवी के अंदर, इमोशंस हैं, ड्रामा भी है और जोश भी है, और एज एन सुपर पे जिस तरीके से मूवी को मनाया गया सुपर यार। परेश जी का तो एक अलग ही अवतार लुक देखने मिला है इसमें, ऐसा लगा जैसे रियल में देश की भागदौड़ इन लोगों को दे देनी चाहिए जिस तरीके से उनका रोल दिखाया है, बहुत अच्छा था। जैसे कोऑर्डिनेशन तो तब कहते जिस तरीके से एक नेचुरल रियलिटी दिखाते वैसे उन लोगों ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी किया, और एक एक किरदार भी सबका अलग अलग दे के बहुत अच्छी बाखूबी थे सबने निभाया है, तो 5 में से 5 दूंगा भाई। अच्छी लगी, आज मैं एज ए ऑडियंस बन के आया हूँ, बोलो। अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी लगी। विकी कौशल का टेरिफिक परफॉर्मेंस इन द फिल्म, ही इज सुपर्ब। जो जे इंडियन आर्मी फोर्स में जो जुनून है, जो जोश है, वो पूरा दिखाया गया है इस फिल्म में, कैसे पाकिस्तान में घुस के लोगों ने मारा, मतलब जैसे वो हमारे आर्मी बेस कैंप में गए थे सो के मारता, हमने तो उनको रात में मारा था, तो वही है फिल्म में। सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत एज ए इंडियन बहुत ज़्यादा अच्छा प्राउड फील किया है। और फिल्म में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है जो ऑडियंस देखना चाहिए?
कि कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हिंदुस्तानियों को, तुमने सोचा भी नहीं होगा तो हम तुम्हारे घर में घुस के हमने मारा, तो यही इंडियन आर्मी फोर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वो जज्बा है और परफॉर्मेंस सबकी अच्छी, सबके अच्छा, सबका अच्छा परफॉर्मेंस है। 4 स्टार मैं दूंगा। ओके, फिल्म उरी देखकर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है, सब लोग ने देखनी चाहिए।